नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या RAS एकेडमी में। दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड में पॉलिटिकल साइंस के जो टॉपिक थे सिलेबस के अंदर, जिसमें दोस्तों अपने चार टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना पांचवा चैप्टर है जिसका नाम है नौकरशाही की संरचना। ठीक है, पांचवा चैप्टर है नौकरशाही की संरचना। तो दोस्तों, उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है। तो दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, पास में दिए गए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास में शेयर करें। और पिछले जो चार अध्याय अपने कंप्लीट हो चुके हैं, अगर वो किसी ने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाएं, वहां फोल्डर बना हुआ है फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट पेपर। तो दोस्तों, आप वहां जाके सारे के सारे जो चैप्टर है, अभी कमी हुए हैं, चार चैप्टर ही हुए हैं, तो आप वहां जाके सारे के सारे देख सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है श्री गणेश का नाम लेके। तो इसमें देखो, पहला प्रश्न है संविधान के अनुच्छेद 50 द्वारा राज्य की लोक सेवाओं में जिन दो संरचनाओं को एक दूसरे से पृथक करने के लिए राज्य को निर्देश दिया गया है। तो दोस्तों, कौन सा निर्देश दिया गया है ये अपने को इसमें बताना है। ठीक है, दोबारा देख लो इस प्रश्न को। संविधान के अनुच्छेद 50 द्वारा राज्य की लोक सेवाओं में किन दो संरचनाओं को एक दूसरे से पृथक करने के लिए राज्य को निर्देश दिया गया है? तो वो है दोस्तों, न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के निर्देश दिया गया है अनुच्छेद 50 के अंदर। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चार नंबर का ऑप्शन है वो इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड नंबर प्रश्न है, इसमें देखो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं के गठन हेतु प्रावधान किए गए हैं? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं के गठन हेतु प्रावधान किए गए हैं? तो दोस्तों, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 314, अनुच्छेद 313, अनुच्छेद 312। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका सही उत्तर? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अनुच्छेद 312। चार नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड नंबर प्रश्न है, इसमें देखो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रशासनिक अधिकरणों के गठन संबंधी प्रावधान किए गए हैं? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रशासनिक अधिकरणों के गठन संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, अनुच्छेद 322, 323, 322, 323। दोस्तों, कह दिए गए हैं, तो इनमें से बताना है क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है अनुच्छेद 323 कह। दो नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, चार नंबर प्रश्न है, इसमें देखो निम्नलिखित में से कौन सी अखिल भारतीय सेवा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी अखिल भारतीय सेवा नहीं है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय राजस्व सेवा, भारतीय वन सेवा। तो अखिल भारतीय सेवा की यहाँ पे बात हो रही है, तो अखिल भारतीय सेवाएं हैं वो दोस्तों इनमें से कौन सी नहीं है? ठीक है, ये अपने को इसमें बताना है। ठीक है, तो देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है भारतीय राजस्व सेवा है, वो अखिल भारतीय सेवा नहीं है। तीन नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। पांच नंबर प्रश्न है, अंतरराज्यीय परिषद के गठन का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अंतरराज्यीय परिषद के गठन का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी को पता होना चाहिए क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अनुच्छेद दिए गए हैं, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अनुच्छेद 263। एक नंबर का ऑप्शन है वो इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिक्स नंबर प्रश्न, इसमें देखो नई अखिल भारतीय सेवा के सूत्रपात के लिए क्या आवश्यक है? नई अखिल भारतीय सेवा के सूत्रपात के लिए क्या आवश्यक है वो अपने को दोस्तों इसमें बताना है। तो क्या आवश्यक है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, मैं दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो ये अखिल भारतीय जो सेवा है, नई अखिल भारतीय सेवा का जो सृजन है वो राज्यसभा द्वारा किया जाता है। ठीक है, और वो भी 2/3 बहुमत के प्रस्ताव के पारित करने पर। ठीक है,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 4 नंबर का ऑप्शन, राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करना। ठीक है, इसके पारित होने के पश्चात नई अखिल भारतीय सेवा का सूत्रपात किया जाता है, 4 नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 7 नंबर प्रश्न, इसमें देखो संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवकों को संरक्षण प्रदान किया गया है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवकों को संरक्षण प्रदान किया गया है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों, इसमें 4 ऑप्शन है, अनुच्छेद 311, 312, 313, 314, क्या होगा राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 311। ठीक है, 1 नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न है, भारतीय वन सेवा का गठन कब किया गया, तो दोस्तों कब किया गया भारतीय वन सेवा का गठन, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, 1967, 1969, 1966, 1968, क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर, तो दोस्तों मन में सोच लो जल्दी से क्या होगा, तो भारतीय वन सेवा का गठन है ये दोस्तों सन 1966 में किया गया था, 3 नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 9 नंबर प्रश्न है, अखिल भारतीय सेवाएं किसकी देन है, तो अखिल भारतीय सेवाएं ये दोस्तों किसकी देन है, जापान की, जर्मनी की, कनाडा की या ब्रिटिश साम्राज्य की, किसकी देन है अखिल भारतीय सेवाएं। ठीक है, तो देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ब्रिटिश साम्राज्य की देन है अखिल भारतीय सेवाएं। ठीक है, 4 नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न है, अखिल भारतीय सेवाओं के कर्मचारियों की भर्ती कौन करता है, अखिल भारतीय सेवाओं के कर्मचारियों की भर्ती कौन करता है। ठीक है, कौन करता है ये अपने को इसमें बताना है, देखो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। ठीक है, इसमें यूपीएससी वगैरह नहीं दे रखा। ठीक है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, क्या होगा दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार करती है दोस्तों अखिल भारतीय सेवाओं के कर्मचारियों की भर्ती कौन करता है, केंद्र सरकार। 1 नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न है, देखो प्रशासनिक सेवाओं के लिए द्विस्तरीय अखिल भारतीय परीक्षा किसके द्वारा आयोजित की जाती है, प्रशासनिक सेवाओं के लिए द्विस्तरीय अखिल भारतीय परीक्षा किसके द्वारा आयोजित की जाती है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखो आरपीएस राज्य लोक सेवा आयोग करती है, ठीक है, रेल सेवा आयोग करती है या संघ लोक सेवा आयोग करती है या दोस्तों वित्त आयोग करता है, कौन करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग करता है ये द्विस्तरीय अखिल भारतीय परीक्षा का आयोजन, तो 3 नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो किसने भारतीय सरकार को यह निर्देश दिया है कि वह अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की स्थापना के लिए कदम उठाए, तो दोस्तों यह किसने भारतीय सरकार को यह निर्देश दिया है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, क्या होगा दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है उच्चतम न्यायालय ने, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों भारतीय सरकार को यह निर्देश दिया है कि अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की स्थापना के लिए कदम उठाएं। 1 नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, देखो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अंतर्गत चयनित उम्मीदवारों को कहां प्रशिक्षित किया जाता है, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अंतर्गत चयनित उम्मीदवारों को कहां प्रशिक्षित किया जाता है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन आपके सामने है, मसूरी में स्थापित लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक शिक्षा केंद्र, ठीक है, देहरादून में स्थापित प्रशासनिक केंद्र, लखनऊ में स्थापित प्रशासनिक शिक्षा केंद्र, हैदराबाद में स्थापित प्रशासनिक शिक्षा केंद्र, क्या होगा इसमें सही उत्तर, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अंतर्गत चयनित उम्मीदवारों को कहां प्रशिक्षित किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मसूरी में स्थापित लाल बहादुर
प्रशासनिक शिक्षा केंद्र में दोस्तों इनको प्रशिक्षित किया जाता है। एक नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो विदेशों में कार्य करने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को किस प्रकार की परीक्षाएं उत्तीर्ण करनी पड़ती है। विदेशों में कार्य करने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को किस प्रकार की परीक्षाएं उत्तीर्ण करनी पड़ती है। तो दोस्तों चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, भारतीय वित्त सेवा, ठीक है, भारतीय रेव सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेशिक सेवा। ये दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चार नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा, विदेशों में कार्य करने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को दोस्तों भारतीय विदेशिक सेवा की विभिन्न परीक्षाएं उत्तीर्ण करनी पड़ती है। चार नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, 15 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो निम्न में से कौन सी अखिल भारतीय सेवा नहीं है। निम्न में से कौन सी अखिल भारतीय सेवा नहीं है, यह अपने को इसमें बताना है। भारतीय विदेश सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा या भारतीय वन सेवा, क्या होगा दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है क्या, भारतीय विदेश सेवा इसका राइट आंसर। एक नंबर का ऑप्शन है वो इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो अपने को इसमें बताना है, ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों चार ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से देख लो इनको और मन में सोच लो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935। दो नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। 17 नंबर प्रश्न है, भारतीय नौकरशाही की संरचना का अंग नहीं है। भारतीय नौकरशाही की संरचना का अंग नहीं है तो वो कौन सा नहीं है, ठीक है। चार ऑप्शन है, अखिल भारतीय सेवाएं, राज्य सिविल सेवाएं, केंद्रीय राजनीतिक सेवाएं या केंद्रीय सिविल सेवाएं, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है केंद्रीय राजनीतिक सेवाएं, ठीक है। तीन नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, भारतीय नौकरशाही का सर्वोच्च स्तर की सेवा है। भारतीय नौकरशाही की सर्वोच्च स्तर की सेवा है तो वो सर्वोच्च स्तर की सेवा है वो कौन सी है। तो वो है दोस्तों भारतीय प्रशासनिक सेवा, कौन सी है, भारतीय प्रशासनिक सेवा। चार नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, भारत व लंदन में एक साथ भारतीय सिविल परीक्षा पहली बार कब आयोजित की गई थी। भारत व लंदन में एक साथ भारतीय सिविल परीक्षा पहली बार कब आयोजित की गई थी। तो ये पहली बार आयोजित की गई थी दोस्तों कब, 1922 में। कब की गई थी, 1922 में पहली बार आयोजित की गई थी एक साथ ये परीक्षा। तीन नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है। तो सिविल सेवा का जनक है वो किसे माना जाता है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, लॉर्ड बेंटिंक, कॉर्नवालिस, कर्जन, ठीक है, इनमें से बता दो दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंसर। इरविन है लास्ट वाला, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सिविल सेवा का जो जनक है वो कॉर्नवालिस को माना जाता है। दो नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद अखिल भारतीय सेवाओं का के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। स्वतंत्रता के बाद अखिल भारतीय सेवाओं के जनक के रूप में किसे माना जाता है। तो वो माना जाता है दोस्तों किसे। तो दोस्तों चार ऑप्शन है, तो मैं इसका आपको डायरेक्ट इसका राइट आंसर बता देता हूँ, वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को माना जाता है दोस्तों। अखिल भारतीय सेवाओं के जनक के रूप में किसे माना जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तीन नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, अखिल भारतीय सेवाओं के समर्थक थे। अखिल भारतीय सेवाओं के समर्थक थे तो दोस्तों इसके समर्थक थे वो कौन थे, ठीक है। तो इसके समर्थक कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। चार नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23 नंबर प्रश्न है, भारतीय वन सेवा
अखिल भारतीय सेवा के रूप में कब अस्तित्व में आई? भारतीय वन सेवा अखिल भारतीय सेवा के रूप में कब अस्तित्व में आई? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है क्या, 1966 में दोस्तों यह अस्तित्व में आई थी। ठीक है, 1966 में। नेक्स्ट है 24 नंबर प्रश्न है, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को बर्खास्त करने की शक्ति किसके पास है? अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को बर्खास्त करने की शक्ति किसके पास है? तो दोस्तों एक ही व्यक्ति के पास में है वो ये सारे काम कर सकता है, तो वो है राष्ट्रपति। किसके पास में है? राष्ट्रपति के पास में है दोस्तों ये शक्ति। नेक्स्ट है 25 नंबर प्रश्न है, राज्य सेवा के अधिकारी अपने पद पर बने रहते हैं, राज्य सेवा के अधिकारी अपने पद पर बने रहते हैं, तो दोस्तों किसके प्रसाद पर्यंत? तो किसके प्रसाद पर्यंत? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। 4 नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो संघ लोक सेवा आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है या किया गया है? तो किसके अंतर्गत किया गया है ये अपने को दोस्तों इसमें बताना है। ठीक है, अनुच्छेद 335, अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 315, क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? तो वो है दोस्तों इसमें अनुच्छेद 315, ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। 4 नंबर का ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही उत्तर है। 27 नंबर प्रश्न है, अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की नियुक्ति दी जाती है, अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की नियुक्ति दी जाती है, तो दोस्तों किसके द्वारा? तो ये दी जाती है, तो दोस्तों किसके द्वारा? तो ये राष्ट्रपति द्वारा दी जाती है। ठीक है, 3 नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, तो दोस्तों ये हो गए आज के अपने पूरे प्रश्न कंप्लीट। ठीक है, नौकरशाही व्यवस्था थी, भारतीय नौकरशाही व्यवस्था, ठीक है, इसकी संरचना अपना 5वां चैप्टर था वो कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों अगर आपने अभी भी हमारे चैनल आराध्य आर्य एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और पास में दिए गए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास में शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।